हाय एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर प्रिंस प्रभाकर त्रिपाठी, आई एम फिजियोथेरेपिस्ट। और आज हम देखने जा रहे हैं कोहनी में होने वाले इस तरफ के पेन के बारे में। इस तरफ लेटरल साइड मतलब शरीर के बाहर की तरफ जो हमारा टखना है, इस टखने में होने वाले दर्द के बारे में। जैसे हम टेनिस एल्बो भी बोलते हैं या लेटरल एपिकोंडाइलाइटिस भी बोलते हैं। ये दर्द जो होता है, ये किस तरीके का दर्द है, क्यों हो रहा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस दर्द में क्या होता है, आपको खिंचाव महसूस होता है और ये जो दर्द है वो आपको एक्सटेंशन मतलब इस मूवमेंट को लेके होगा। हम जो बार बार ये मूवमेंट करते हैं इसे कहते हैं एक्सटेंशन, ठीक है, एक्सटेंशन। और ये मूवमेंट जो हम टेनिस खेलते वक्त करते हैं, झटका बैठता है ऐसा, ये पूरा इधर की तरफ ऐसे आता है। तो ये जो एक्सटेंशन मूवमेंट है और सुपीनेशन मतलब हाथ को इस तरीके से रोटेट करना, इस वाले दर्द, इसकी वजह से जो पेन होता है, इसे टेनिस एल्बो इसलिए कहा जाता है, टेनिस में इसका परफेक्ट मूवमेंट देखने को मिलता है। तो इसे इस टेनिस की वजह से ज्यादातर बीमारी देखी गई है, टेनिस एल्बो इसे कहते हैं। इसका दर्द इस जगह बहुत होता है और पर्टिकुलर इस एरिया में आपको ये दर्द देखने को मिलेगा। तो हम इसमें क्या करें, कौन सी ऐसी कसरत करें या क्या प्राइमरी ट्रीटमेंट लें घर पे जिससे हमें इसमें आराम मिल सके। सबसे पहले मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगा, आप घर पे जब भी इसमें ज्यादा दर्द हो, क्योंकि ये क्या होता है, जब हमारी मांसपेशियों में जो टेंडन है मतलब मांसपेशी को जब हड्डी से जोड़ा जाता है तो वहां पे एक कड़क संरचना उस मांसपेशी को बोन पे अटैच करती है, उसे हम टेंडन बोलते हैं। उस टेंडन में रिपीटेटिव मूवमेंट में बार बार झटका लगने की वजह से थोड़े टीयर होते हैं। ये नॉर्मल टीयर्स होते हैं, पर कभी कभी रिपीटेटिव बार बार ये यूज करने की वजह से वहां पर ज्यादा टीयर हो जाते हैं और इंजरी हो जाती है, थोड़ा छिल जाता है जिसे हम हमारे नॉर्मल भाषा में बोलते हैं। तो उसकी वजह से वहां स्वेलिंग आ जाती है और हमारे को इस तरीके का मूवमेंट करने में और हाथ को इस तरीके से घुमाने में काफी पेन महसूस होता है। तो अब हम इसमें क्या करें, सबसे पहले मैं आपको एडवाइस करूंगा आइसिंग के लिए। आपको अगर स्वेलिंग है तो आप वहां पे आइसिंग कीजिए। कैसे करेंगे, बर्फ लीजिए, रगड़िए, थोड़ी देर में आपको जलन महसूस होगी, उस जलन को सहन कीजिए और जब तक आपको सुन्नपन का एहसास ना होने लगे तब तक बर्फ से सेक कीजिए, उसके बाद रिलैक्स करिए, आपको काफी आराम मिलेगा। अब हम बताने जा रहे हैं कुछ कसरतें जो हमें करनी चाहिए टेनिस एल्बो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कुछ कसरतें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको ये मूवमेंट करना है, मुट्ठी बंद करके भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मूवमेंट आपको पहले सीखना है नॉर्मल तरीके से कि आप कितना कर पाते हैं। ओके, ये मूवमेंट आपको सीखना है, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे इस मूवमेंट के लिए। तो हमें किस तरीके से ये कसरत करनी है, हमें हाथ को इस तरीके से मोड़ना है, हाथ सीधा रखिए, कोहनी नहीं मोड़िए, कोहनी सीधी रखिए और इस तरीके से इसको कसरत को करना है। ओके, तो ये वाली कसरत आपको 10 रिपीटेशन करने हैं और 3 सेट्स करने हैं। दोबारा देखिएगा, आपको इसको ऐसे थेराबैंड को लेना है और ऐसा मूवमेंट करना है। अब हम देखेंगे दूसरी कसरत जो हमें करनी चाहिए, जिसके लिए हम काफी आराम जिसे हमें मिलेगा, वो है ट्रिगर पॉइंट रिलीज टेक्निक। हमें क्या करना है, हमें इस जगह पे, यहाँ पे ये एरिया खत्म होके इस जगह से नीचे यहाँ पर ऐसे करेंगे तो आपको मांसपेशी हिलती हुई दिखाई देगी, ऐसे कट कट की आवाज आएगी। तो जब आपको कट कट की आवाज आए तो आप समझ जाएंगे आपने पॉइंट बिल्कुल सही जगह पकड़ा है। वहां पे हाथ रखिए और अपने हाथ की मुट्ठी बंद कीजिए और ऊपर नीचे ये मूवमेंट कीजिए और इसको अच्छे से दबाइए, पूरा मूवमेंट कीजिए, 20 रिपीटेशन इसके कीजिए और फिर रिलैक्स कीजिए। इसके बाद आपको दोबारा ये रिपीटेशन नहीं करने हैं। ट्रिगर पॉइंट रिलीज जो होता है वो सिंपल सिंगल टाइम करना है। अगर आप ज्यादा कंप्रेस करेंगे तो प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ सकती है, दर्द बढ़ सकता है। तो जेंटली प्रेस करें और मूवमेंट करें इस तरीके से। अभी आपको वापस थर्ड नंबर का एक्सरसाइज जो मैं बता रहा हूं, वो भी ट्रिगर पॉइंट रिलीज एक्सरसाइज है थर्ड नंबर का, वो हमें कैसे करना है, हमें वापस उसी जगह दबाना है और हमें इस तरीके से मूवमेंट करना है। देखिएगा, इस तरीके से हाथ को घुमाना है और ढीला छोड़ देना है। ओके, तीसरी एक्सरसाइज आपने देखी। अब हम चौथी एक्सरसाइज जो देखने जा रहे हैं
वो एक्सरसाइज है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। तो हमें किस तरीके से करनी है, हमें अपने हाथ से ऐसे हाथ सीधा रखना है और हाथ से ऐसे दबाना है और दबा के करीबन 10 सेकंड होल्ड करना है, देखिएगा ऐसे, और 10 सेकंड होल्ड करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और ढीला छोड़ देना है, रिलैक्स करना है 10 से 20 सेकंड। फिर वापस दूसरी तरफ फ्रिक्वेंटली आप एक्सरसाइज करें। अब पांचवें नंबर का स्टेज उसके बाद करना है, ऐसे रखना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ढीला छोड़ दीजिए 10 से 20 सेकंड, रिलैक्स कीजिए, फिर वापस ऊपर खींचिए। ऐसे फ्रिक्वेंटली ये दोनों कसरतें आपको, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज दोनों आपको करनी है और इनके 3 सेट्स करने हैं 10-10 सेकंड होल्ड करके, ओके ठीक है। अभी हम देखेंगे 6 नंबर की एक्सरसाइज जो हमें करनी चाहिए, ये आप गोल्फर एल्बो में भी ये कसरत कर सकते हैं। तो देखिएगा हमें हमारे हाथ को इस तरीके से, देखिए इस तरीके से पिंच करना है और इनको कोहनी को सीधा रख के ऐसे मोड़ के इनको प्रेस करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर दूसरी उंगली से ऐसे हर उंगली पे जाके 10 सेकंड होल्ड करना है, सिंगल रिपीटेशन करना है और उसके बाद रिलैक्स करना है, ठीक है। इससे आपको काफी मायने में आपको दर्द कम हो जाएगा और आपको काफी अच्छा लगेगा। इससे कंक्लूजन ये निकल रहा है कि ये जो कसरतें आप कर रहे हैं इनसे मांसपेशियों में जो खिंचाव पैदा होता है उसमें काफी आराम मिलता है और आपको काफी बेटर फील करेगा। पर मैं आपको ये कहना चाहूंगा, कसरतें करने के बाद अगर आपको थोड़ा दर्द फील होता है तो आप बर्फ का सेक कर सकते हैं, उससे भी आपको काफी आराम मिलेगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, थैंक यू सो मच, नमस्ते।